आज रीवा मध्य प्रदेश में व्यापारी संघ द्वारा बिछिया थाना पहुंचकर पुलिस कर्मियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान व्यापारियों द्वारा कहा गया कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी पुलिस प्रशासन लगातार काम कर रहा है। पूरा देश कोरोना जैसी महाबीमारी में जूझ रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन अपने काम पर लगा हुआ है, जिससे आज व्यापारी संघ द्वारा पुलिस प्रशासन को प्रमाण पत्र एवं पुष्प वर्षा से स्वागत कर प्रशासन का मनोबल व्यापारी संघ द्वारा बढ़ाया गया। इस दौरान बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने सभी को मास्क लगाने की सलाह दी एवं सभी व्यापारियों से कहा कि आप सभी लोग मास्क लगाएं एवं दूसरे को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें एवं अन्य व्यापारियों से कहा कि अपनी दुकानों में आने वाले ग्राहकों को भी मास्क लगाने की सलाह दें। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। आप लोग आज ये पुलिस का सम्मान करने कैसे जा? सर, हमारे देश की परंपरा रही है, हमारे देश में महान ऋषि हुए दधीच, जिनने अपनी हड्डी तक समाज के लिए दान कर दिया। आज ये जो विषम परिस्थिति आई है हमारे देश में, उसमें रीवा भी सम्मिलित है। ये कोरोना जैसे महामारी जो जानलेवा है और जो सेवा करने वाले लोग हैं उन पर भी उसका आक्रमण हो रहा है, उसके बावजूद भी हमारे बिछिया थाना, हालांकि पूरे देश में हमारे जो सुरक्षाकर्मी रहे हैं, पुलिस के कर्मचारी रहे हैं, उनने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और अपने जान की परवाह किए बगैर हमारे समाज की सेवा की है और निरंतर कर रहे हैं। जबकि उनका परिवार भी भयभीत रहता है कि उन्हें भी इसकी चपेट में वो आ सकते हैं, उसके बावजूद भी उनने समाज के सेवा का जो व्रत लिया था उसे पूरा किया है। हमारा व्यापारी संघ बिछिया इसमें ये मानता है कि हम सबका दायित्व बनता है कि समाज के जिन लोगों ने सेवा की है उनका यथोचित सम्मान हो। हालांकि हम सम्मान करने के काबिल तो हैं नहीं, लेकिन हमारी भावना ऐसी है कि समाज को प्रेरणा मिले कि वो भी जो हमारे कर्मवीर हैं कोरोना वॉरियर्स, उनका सम्मान करें। धन्यवाद। व्यापारियों ने पुलिस का सम्मान किया है, क्या अभी आपने इनको क्या शिक्षा दी? देखिए, चूँकि अपने रीवा शहर में जो है इस महामारी के दौर पे बहुत सारे ग्रुप जो हैं अपने बीच सहयोग के लिए आए हुए हैं, है ना, और इसमें हमारे एक लघु व्यापारी संघ बिछिया के भी आज हमारे बीच आए और पुलिस जो हमारा थाना है लोगों का सम्मान किया है, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि हमारा इनसे सबसे अनुरोध है, इनसे और इनके जो भी व्यापारी वर्ग हैं, कि अभी दौर ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसा लोग मान रहे हैं कि अब हो गया, पुलिस ने या फिर प्रशासन ने छूट दे दी है, तो ऐसा नहीं है, है ना। आपको क्या करना है, खुद को मास्क लगाना है और जो आपके यहाँ ख़रीदार करने आ रहे हैं, जो भी ग्राहक आपके आ रहे हैं, उनको भी ये सजेस्ट देना है कि आप बगैर मास्क के कोई ख़रीदारी नहीं करना है। यदि ऐसा, चूँकि अब वरिष्ठ अधिकारियों का ये निर्देश है कि अगर ऐसा कुछ करते हुए पाए जाते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रताड़ना देना है, ये आप अगर सहयोग करेंगे तो वो भी नहीं है, ये सिर्फ आपके सहयोग के लिए है। ये महामारी फैला नहीं, बचाओ भाई, इसका असर एक दिन में ख़त्म होने वाला नहीं है, इसको रोकने के लिए ही ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि मास्क लगाएं, सब लोग लगाएं, और जितने लोग हैं आपके यहाँ खरीदने आते हैं उनको भी लगवाएं, पुलिस का सहयोग करें, यही मेरी मंशा है। अगर ऐसा करेंगे तो ये महामारी बहुत जल्दी ही रुक जाएगी और हमारे बीच से ख़त्म हो जाएगी।